पिछले 24 घंटे में 1500 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। आज लॉकडाउन का पहला पांचवे स्टेप का पहला दिन है, लेकिन तस्वीरें देखिए, वाहनों की कतार देखिए। आपको तस्वीरें दिखा दें कि मुंबई से गुजरात और नासिक के लिए जाने के लिए लगातार जो वाहन है, एक के बाद एक लंबी कतार लगी है। अगर मुंबई जाने की बात करें तो मुंबई की तरफ भी लगातार लोगों की भीड़ जो है वो बॉम्बे की तरफ जा रही है। मानो कि लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन लॉकडाउन यहाँ पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। मुंबई पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि मुंबई इन दिनों रेड जोन में है। यहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या और मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लिंक रोड को जोड़ने वाला ये फ्लाईओवर है। तस्वीरें में देख सकते हैं कि कितनी संख्या में वाहन इन रोडों पर चल रहे हैं। मुंबई का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा चुके हैं। लेकिन जो गाड़ी लगातार रोडों पर दिख रही है, अगर लॉकडाउन है, रेड जोन है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर कैसे निकल रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के लिए जो ये तस्वीर है, जो लॉकडाउन का उल्लंघन है, ये कहीं न कहीं आने वाले समय में परेशानी जरूर पैदा कर देगी, क्योंकि मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र सरकार 3 तारीख, 5 तारीख और 8 जून तक नए नियम, नए शर्तों के तहत लॉकडाउन में रियायत देने की बात कही है, तो उससे पहले ही रोडों पर हजारों की संख्या में वाहन चल रहे हैं। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, स्वराज एक्सप्रेस।